हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपनी बाइक में आप कौन सा पेट्रोल फिल कराएं, नॉर्मल या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम जो पेट्रोल्स आते हैं वो। दोस्तों आपको शेल का पेट्रोल पंप हो, एचपी का पेट्रोल पंप हो या फिर इंडियन ऑयल का हो, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप हो, इन सभी में जो है डिफरेंट आपको पेट्रोल जो है देखने मिलते हैं। नॉर्मली दो तरह के पेट्रोल जो है नॉर्मली हर जगह देखने मिलते हैं, एक प्रीमियम पेट्रोल होता है, एक जो है आपको नॉर्मल पेट्रोल होता है। एंड जब भी आप फिल करा रहे होते हैं तो हमेशा पूछता है कि पेट्रोल कौन सा फिल कराएंगे, ठीक है। तो अब कौन सा फिल कराना चाहिए ये क्वेश्चन आता है, तो आगे बहुत सारी डिटेलिंग आती है दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड कब कौन सा फिल कराना चाहिए, वो भी डिटेल जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जोर दिखे। चलिए जानते हैं। दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपने टाइम टाइम आ सके। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक डाउट जो है आप लोगों का जरूर क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को होगा, पहले मुझे भी ऐसा हुआ करता था कि आपकी सिटी में ही अगर आप देखेंगे तो एचपी का, रिलायंस का, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे एसआर का, नायरा, ऐसे ये सब डिफरेंट जो है पेट्रोल पंप्स आपको जो है देखने को मिल जाएगा। बट क्या उन सब में अलग अलग पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल जो होता है वो अलग अलग जगह से आता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो नियरेस्ट जो रिफाइनरी है वहीं से जो है पेट्रोल लेके ये सारी कंपनी जो है वो यूज़ करती हैं। वरना अगर इंडियन ऑयल का अगर डिपो अगर मानिए किसी और जगह पे है, तो वहाँ से मंगाना और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप जो भी पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं वो नियरेस्ट रिफाइनरी से ही आ रहा है। जैसे मेरा एक एग्जांपल लेंगे तो मैं जामनगर से हूँ, जामनगर में जो है गुजरात में, वहाँ पर दोस्तों रिलायंस का रिफाइनरी है। अब रिलायंस की रिफाइनरी से ही जो है एचपी भी यूज़ कर रहा होगा पेट्रोल, और बाकी कंपनीज भी, एसआर और बाकी सब जितने भी हैं, रिलायंस खुद यूज़ कर रहा है और शेल भी वहीं से ले रहा होगा, और बाकी सभी जो है पेट्रोल वहीं से जो है लेके जो है आपको सेल कर रहे होंगे। तो पेट्रोल में उतना मेजर डिफरेंस जो है वो नहीं देखने मिलता। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि नॉर्मल पेट्रोल और जो प्रीमियम पेट्रोल जो पेट्रोल पंप पे सेल किया जाता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों दोनों में ही जो है जो कंपनी, जैसे आप एचपी से ले रहे हैं या फिर इंडियन ऑयल से ले रहे हैं, जैसे किसी भी कंपनी से ले रहे हैं, तो दोस्तों कंपनी अपना एडिटिव जो है उसमें मिक्स करती है। अब एडिटिव मिक्स करने से बेनिफिट तो ये है दोस्तों कि आपकी जो पूरा फ्यूल सिस्टम है वो क्लीन भी रहता है और एक उसमें एक हार्डनर का भी वर्क करता है। अब आपको मालूम है कि पेट्रोल जो है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, तो उसमें हल्का सा हार्डनर मिक्स करके जो है उसमें थोड़ा सा उसको ऐसा किया जाता है कि वो स्लोली बर्न हो। मतलब अब हार्डनर का वर्क होता है वो हर एक पेट्रोल में होता है। जो प्योरेस्ट फॉर्म अगर आप पेट्रोल का देखेंगे तो बहुत जल्दी बर्न होता है, वो सुपर बाइक्स में जो आपको देखने मिलता है, सुपर बाइक में जब वो रेस कर रहे होते हैं और जल्दी से वो फिल करते हैं, वो सुपर बाइक का पेट्रोल वो अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। हम जो नॉर्मल पेट्रोल पंप से लेते हैं उसमें एक हार्डनर जो है वो मिक्स किया जाता है, जिससे कि बाइक की माइलेज जो है वो सही रहे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, नॉर्मल पेट्रोल में भी एडिटिव होता है, बट उसमें मात्रा जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही कम होती है। जो प्रीमियम ऑयल्स, जो प्रीमियम पेट्रोल होते हैं, उनमें जो एडिटिव की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि जब आप जो प्रीमियम ऑयल भराएंगे तो उसमें आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, उसमें हार्डनर भी होता है और एक डिटर्जेंट पार्टिकल्स भी होते हैं जो आपको फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप और ये सब चीज़ों को, फ्यूल लाइन को जो है टोटली क्लीन करते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग शॉर्ट राइड कर रहे हैं, अब यहाँ पर आता है कब कौन सा पेट्रोल यूज़ करना चाहिए दोस्तों, कौन सा बेटर रहता है। अगर आप नॉर्मल राइड कर रहे हैं तो मैं हमेशा बोलूँगा कि नॉर्मल राइड में नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मगर आप जब आप बाइक को एक्सट्रीम यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रीम का भी आप यूज़ करेंगे, जब आप उसको लॉन्ग शॉर्ट राइड करेंगे, जब आप उसको हाईवे राइड करेंगे, तो अब आप बाइक का एक्सट्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है आप प्रीमियम पेट्रोल अगर आप यूज़ करते हैं तो बाइक के फ्यूल लाइन जो है कई हद तक क्लीन होती है। तो ये बेसिक डाउट जो है आपको क्लियर हो चुका होगा कब आपको कौन सा पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं दोस्तों, मैं हमेशा बोलूँगा कि आप सिटी राइड में जो है नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करिए। नॉर्मल पेट्रोल में भी डिटर्जेंट पार्टिकल्स होते हैं, नॉर्मल में भी एडिटिव्स मिक्स किया जाता है पेट्रोल, इंडियन स्टैंडर्ड के जो पेट्रोल होते हैं उसके हिसाब से, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप लॉन्ग शॉट राइड और हाईवे राइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है आप, मैं टोटली रिकमेंड करूँगा कि उस समय आप जो है पेट्रोल जो है प्रीमियम फिल कराइए। एंड जो मैं प्रेफर नॉर्मली करता हूँ, अगर मुझे शेल का पेट्रोल मिल जाता है तो मैं शेल में जरूर फिल कराता हूँ, बिकॉज शेल का जो एडिटिव मिक्स किया जाता है
वो एज कम्पेयर टू बाकी कंपनी आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है एंड वो अच्छा बाइक की आपके माइलेज भी अच्छी करता है और आपकी फ्यूल लाइन भी बहुत हद तक आपको जो है क्लीन करता है। एंड मैं नॉर्मली मेरा रिकमेंडेशन है, मैं पर्सनली जो फील किया है डिफरेंस वो मैं बता रहा हूँ आपको। आई होप दोस्तों आपको ये बेसिक जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। आपको नॉर्मल पेट्रोल कब भराना है और प्रीमियम पेट्रोल कब भराना है वो बेसिक डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड दोस्तों आप कौन सा पेट्रोल फिल कराते हैं जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है पेट्रोल कौन सा फिल कराने के बाद में, दोनों में से कौन सा फिल कराने के बाद में, वो भी जरूर मुझे शेयर करिएगा। यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए ध्यान रखिए और देखते रहिए, ऐसी बहुत सारे वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। बाय।